नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा की मंगलवार को निगम सभागार में विशेष सभा बुलाई गई थी। भाजपा पार्षदों ने इस सभा का बहिष्कार कर दिया। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि सामान्य सभा को विशेष सभा बना दिया गया, इस कारण एजेंडा विहीन सभा का बहिष्कार किया गया। हाँ, सामान्य सभा अगर होगी तो जरूर जाएंगे, लेकिन ये तो मनमानी कर रहे हैं, नियम विरुद्ध कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं बताइए। नियम विरुद्ध है, कोई नियम में है नहीं। अगर कोई ज्वलंत कोई मुद्दा है या कोई आकस्मिक कोई बात है उस पर विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। ये तो बार बार जब देखो तब विशेष सम्मेलन बुला ले रहे हैं। और देखिए, ये मेरे पास एजेंडा है, एजेंडा में कुछ नहीं लिखा गया, सिर्फ विकास कार्यों पर चर्चा है। कि क्या विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे, कहाँ नाली बना रहे हैं, कहाँ रोड बना रहे हैं, किस विषय पर चर्चा करना है, इस पर कोई अभी लिखा नहीं गया। सिर्फ विकास कार्यों पर चर्चा और 2 बजे भोजन। जब 2 बजे भोजन पे ही बुलाना है, 2 बजे भोजन का समझ में क्लियर आ रहा है कि 2 बजे भोजन है, तो मेरे को तो लगता है कि दीपावली मिलन समारोह तो नहीं है कहीं। इसमें विशेष सभा ना करके दीपावली मिलन समारोह कर देना था, हम सभी पार्षद भी चले जाते, लेकिन विशेष सभा बुला रहे हैं, नियम विरुद्ध बुला रहे हैं। कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, तो ये क्यों बुला रहे हैं विशेष सभा? क्या रहेगी आप लोग आगे की रणनीति? क्या रहेगी आगे की रणनीति? हम लोग वैसे अभी सभापति के आए थे, बोले भाई आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। हम लोग बताए कि भाई कोई हमारे सभा ना करा कर कांग्रेसी पार्षद और सभापति के माध्यम से इन लोग विशेष सम्मेलन कर करके पार्षदों को जो अधिकार है, जो चुन के जो पार्षद आए हुए हैं वो अपने एक सामान्य सभा के माध्यम से ही क्वेश्चन लगा सकते हैं और उनका जवाब उनको देना होता है। वो जवाब से बचना चाहते हैं, वहाँ पर उन लोग खाली विशेष सम्मेलन कर करके पूरा टाल मटोल कर रहे हैं और सामान्य सभा आयोजित नहीं कर रहे हैं। मेरा साहब 2022 को सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी, उसमें भाजपा पार्षद दलों द्वारा सामान्य सभा रखी गई तो प्रश्नकाल क्यों रखा गया है? तो उसमें सभापति जी ने कहा था कि विशेष सम्मेलन है, तो अगली तिथि तय की जाए, अगली तिथि दशहरा और दिवाली के बीच सामान्य सभा रखी जाएगी। उसके बाद फिर वही दुर्नीति अपनार विशेष सम्मेलन रखवा की पार्षदों भट्टों सदों की बातों अवेलना करते हुए फिर इसने रखा है। न इसमें कोई एजेंडा है, चाहते थे कि सामान्य सभा किया जाए। हम जनहित में हम कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और सामान्य सभा में जनता के हित में काम हम करने की कोशिश करते हैं। तो महापौर जी ने इसका विरोध किया, सामान्य सभा नहीं किया और एक